कल के वीडियो में पार्ट वन में आपने क्या देखा कि रिडक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे एजेंट जो रिडक्शन कराते हैं उन्हें रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, ठीक। रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाने, चार पॉइंट हमने बताए थे। पहले पॉइंट पे थे कि मेटल और नॉन मेटल के हाइड्राइड अगर है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। उनमें चार एग्जाम्पल हमने दिया था, पहला था LiLH4, दूसरा NaBH4 और तीसरा आपका DiBalH। तो डाइबाल एच से शुरू करते हैं इसको। आइए, डाइबाल एच क्या होता है, पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए भाई, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक। इसका स्ट्रक्चर बना है, ये दो आइसो ग्रुप हुए, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप हो गए, ठीक, और ये एल्यूमिनियम हो गया आपका, और हाइड्राइड अगर आपका है तो इससे एक एच लगा दीजिए। IDE यहाँ लिखा है, मतलब जब भी ये निकलेगा तो किस फॉर्म में, माइनस फॉर्म में। वैसे भी मेटल से जुड़ा हाइड्रोजन है तो माइनस फॉर्म में ही निकलेगा, तो ये माइनस फॉर्म में निकलेगा यहाँ से जो भी है। इसको देखिए, कैन ऑल्सो बी रिटन एज अल्मोनियम हाइड्राइड डाई आइसो ब्यूटाइल या ट्वाइस आइसो ब्यूटाइल, ऐसे भी लिखा जा सकता है आपके एनसीईआरटी में दिया। चलिए, ये एक्ट करता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट तीन जगह एक्ट करता है, तीन फंक्शनल ग्रुप पे एक्ट करता है। एक्ट करता है जिसपे, साइनाइड पे, एस्टर पे और एसिड क्लोराइड पे, कार्बोनिल क्लोराइड पे। तो जब भी साइनाइड पे एक्ट करेगा तो अल्डिहाइड बनाएगा, एस्टर पे भी एक्ट करेगा तो अल्डिहाइड बनाएगा, या कार्बोनिल क्लोराइड पे एक्ट करेगा तो भी अल्डिहाइड बनाएगा। सारे रिएक्शन, ये सारे के सारे रिडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही होते हैं। हालांकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बहुत कम समय एग्जाम में मिलता है अगर आप ये याद रखेंगे कि इस पे एक्ट करके क्या बनाता है, तो ज्यादा अच्छा होगा जल्दी क्वेश्चन करने के लिए, ठीक। आई मतलब साइनाइड पे वर्क करेगा, एस्टर पे वर्क करेगा और एसिड क्लोराइड पे वर्क करेगा। एसिड क्लोराइड क्या है, डाइबाल एच ऑलवेज फॉर्म्स अल्डिहाइड, कीटोन नहीं बनाता है। मतलब अगर आपको ऑप्शन में दे रहा है कीटोन बन रहा है क्या डाइबाल एच से, तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, ये अल्डिहाइड ही बनाता है। अगर आप एस्टर लेंगे तो एक बाई प्रोडक्ट में आपको अल्कोहल भी देखने को मिलता है, ठीक है। देखते जरा इसका क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा इसमें, कि जब भी साइनाइड हो, एस्टर हो, एसिड क्लोराइड हो, इधर अगर कितने भी, मान लीजिए एन कार्बन है, तो प्रोडक्ट साइड भी उतने ही कार्बन होंगे, कार्बन घटता बढ़ता नहीं है इस प्रोसेस में, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि ये साइनाइड है, आप डाई वाला एच लीजिए, ठीक। तो फर्स्ट स्टेप में डाई वाला एच आता है, सेकंड स्टेप में इसको हाइड्रेट करना पड़ता है। जब आप हाइड्रेट कर लेंगे तो आपको एट लास्ट, यहां दो कार्बन है तो दो कार्बन का ही अल्डिहाइड मिलता है, ठीक है। पहले इसमें आयमीन बनता है, फिर अल्डिहाइड बनता है हाइड्रोलाइज करके, उस पर नहीं जाना है आपको, ये जानना है अल्डिहाइड बन रहा है, ठीक। दूसरा चलते हैं, एक और एग्जांपल मान लीजिए आपको एक एस्टर दिए, ठीक। तो इस पे देखिए डाइबाल एच लिए विद वाटर, जितने भी रिड्यूसिंग एजेंट है ये सब वाटर एज मीडियम में होते हैं, ठीक है। तो मीडियम आप वाटर हमेशा लेते हैं, प्रोटिक मीडियम लेते हैं, ठीक। प्रोटिक मीडियम लेंगे तो भाई क्या होगा, थोड़ा सा देख लीजिए भाई, मैकेनिज्म भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखिएगा ज्यादा अच्छा होगा। कार्बोनिल है, कार्बोनिल कंपाउंड है एस्टर एक तरीके का, तो कार्बोनिल देते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटेगा इस वजह से, तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। दूसरा न्यूक्लियोफाइल अगर आप बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इससे न्यूक्लियोफाइल एच माइनस ही निकलेगा डाइबाल एच से। आप देखिए यहाँ बताएं एच माइनस निकलता है, ठीक है। चलो एच माइनस यहाँ से निकलेगा और ये प्रोटिक सॉल्वेंट से एच प्लस, तो क्या होगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या बना देगा, CH3OH, और ये एच माइनस इधर आ जाएगा क्योंकि इस कार्बन पे प्लस आ रहा होगा, ठीक। तो क्या बन जाएगा, CH3CO H प्लस CH3OH। यहाँ पे देखिए ये अल्कोहल मिल गया आपको, तो डाइबाल एच से क्या अल्कोहल बन सकता है, बिल्कुल, एस्टर पे एक्ट करेगा तो अल्कोहल भी बन जाता है, ये आपका एक अल्डिहाइड बन गया, ठीक। तो डाइबाल एच के लिए आपके एनसीईआरटी में दो पे फोकस किया है, तो आप भी इन दो को अच्छे से जानिए, तीसरा एडिशनल जान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। COCl मान लीजिए, ये CH3COCl लिए, ठीक है, इस पे डाइबाल एच लिए, डाइबाल एच तो क्या करेगा, वाटर से एच प्लस,
वाले से एच माइनस क्या बन गया बताइए, सी एच थ्री सी ओ, इधर आ गया एच, इधर एच सी एल, आपका एल्डिहाइड निकल गया। ठीक है, देख लीजिए मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कार्बन कहीं कम नहीं हो रहा है, जितना मेन चेन में है एस्टर में भी उतना ही मेन चेन में इधर भी है। ठीक है, देख लीजिए एक टेन प्रोडक्ट मिला लीजिए। ठीक, तो इतना ही डाइवैलेंस। तब चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ इसमें जो था मेटल नॉन मेटल का हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी एग्जाम में आया इस पे एक बार क्वेश्चन, आइए देखते हैं। वर्क्स ओनली ऑन, ये जो डाइबोरेन है आपका ये कहाँ वर्क करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे, अल्डिहाइड पे, कीटोन पे, साइनाइड पे और एस्टर पे। ठीक है, अगर एसिड पे वर्क कर रहा है तो 1 डिग्री ऑल बनाएगा, अल्डिहाइड पे भी 1 डिग्री ऑल बनेगा, कीटोन से 2 डिग्री बनेगा, साइनाइड से अमाइन बनेगा और एस्टर से 1 डिग्री ऑल बनेगा। ज्यादातर इस पे जो पूछता है ये तीन ही पे पूछा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इन तीन पे थोड़ा फोकस करते हैं। मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इधर हमने आर रख दिया, ठीक, तो डाइबोरेन इस पे रखें, आपको बताया कि हमेशा ये प्रोटिक मीडियम या वाटर में वर्क करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, तो वाटर में वर्क करेगा तो भाई क्या होगा, आपको बनाना है 1 डिग्री और। देखिए तो आइए ये बॉन्ड तोड़े, इधर माइनस इधर प्लस दिया, ठीक, इधर आएगा एच प्लस, वाटर से आएगा एच माइनस। ठीक है भाई, इधर ऐसे ये तोड़ दीजिए, इधर एच और इधर एच दे दीजिए, इससे ज्यादा मैकेनिज्म पे जाना ही नहीं आपको। आर सी ओ एच और इधर क्या आया सी एच टू, चेक कर लीजिए, ऊपर से एच बॉन्ड टूटा है, इधर से बॉन्ड टूटा तो एच आया, साथ में बाय प्रोडक्ट आपका एक वाटर निकल गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका इधर। अगले पे चलते हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में आपने आर सी एच ओ लिया, ठीक, बी टू एच सिक्स लिए, फिर से देखिए क्या बनाएगा, अल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है अगर उस पर डाइबोरेन एक्ट करेगा, मतलब आर सी ओ एच और इधर एच टू, ये भी 1 डिग्री ऑल बना, ये भी 1 डिग्री था। ठीक है, अगला आप ले लीजिए कीटोन। कीटोन पे देखिए आर सी ओ आर, ठीक, इस बॉन्ड को तोड़िए और एच एच ले आइए, कहां से, डाइबोरेन से, ठीक, क्या होगा आर सी ओ एच एच आर, ये 1 2 डिग्री हो गया, 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री हो गया, देखिए दोबारा से लगाना, 2 डिग्री अल्कोहल बन गया, ये ऑल माने अल्कोहल लिखा है। ठीक है, आइए वैसे तो यही तीन इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेते हैं साइनाइड और एस्टर। चलिए साइनाइड पे एक्ट करेगा आर सी एन, डाइबोरेन क्या करेगा आर सी एच टू एन एच टू, और अगर आप लेंगे एस्टर यानी आर सी ओ ओ आर, तो यहाँ पे देखिए ये एक्ट करेगा, ये बॉन्ड तोड़ेगा, एच एच जोड़ देगा, मतलब ये भी एच एच, आपको मिलेगा एक आर सी एच टू ओ एच और एक इधर से मिलेगा आर ओ एच, मतलब दो अल्कोहल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो डाइबोरेन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन फिर भी एक बार पूछा एग्जाम में तो ये आप समराइज कर सकते हैं इससे। ठीक, इससे ज्यादा मैकेनिज्म पे फोकस मत करिएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है मेटल विथ एसिड और बेस, कोई भी मेटल किसी एसिडिक या बेसिक मीडियम में रखा जाता है तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक, आइए देखते हैं, चार है इसमें आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, चार मेन है ये, जिंक मरकरी एचसीएल, सोडियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, थर्ड है बेटा टिन इन एचसीएल और सोडियम इन अल्कोहल। ठीक है, पहला देखते हैं, सबसे पहले जिंक या मरकरी को जब हम एचसीएल में डिप करके रखते हैं तब क्या होता है, तो इसको कहते हैं बेटा क्लिमेंसन रिएजेंट कह सकते हैं, हालांकि ये क्लिमेंसन रिडक्शन में यूज होता है इसलिए क्लिमेंसन रिएजेंट आप कह सकते हैं। ठीक, ये बेस सेंसिटिव रिएजेंट होता है, क्या मतलब है इस लाइन का, अभी देखते हैं क्वेश्चन से। क्लिमेंसन रिडक्शन आपको थोड़ा बहुत याद होगा, अल्केन बनाने का प्रोसेस है अल्डिहाइड या कीटोन्स, तो जब भी आपको जिंक मरकरी एचसीएल दिया जाए तो अल्डिहाइड कीटोन पार्ट को खोजिए, कार्बोनिल पार्ट को खोजिए और उसको रिड्यूस करके तोड़ दीजिए, किसमें, इस पे जब जिंक मरकरी एचसीएल आएगा तो कन्वर्ट कर देगा उसको अल्केन में।
एल्केन बन गया आपका, यहाँ जो भी आर पार्ट होगा, आर पार्ट होगा, ये कीटोन है आपका, ठीक है, कीटोन को भी ये अल्केन में कन्वर्ट कर देता है। तो जिंक मरकरी NHCl क्या बनाता है? अल्केन, डिहाइड्रो कीटोन का। क्वेश्चन में देखते हैं कैसे बनाएंगे आप। आइए, क्वेश्चन में मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया एसिटल डिहाइड, दो कार्बन का डिहाइड, इथेनल, ठीक दिए, तो इसको दिए हम जिंक मरकरी NHCl, ठीक, HCl में। तो क्या करेगा, आपको क्या करना है, दो कार्बन है रिएक्टेंट साइड, तो दो ही कार्बन का प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाएगा, अल्केन। इसको निकाल दीजिए, एच एच जोड़ दीजिए दो दो, ठीक, तो CH3 CH3, ये बन गया अल्केन। क्या नाम है इसका, इथेन, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए कीटोन ले लिए, मान लीजिए साइक्लिक कीटोन ले लिए, साइक्लिक साइक्लिक कीटोन पे भी एक्ट करता है, ठीक, तो साइक्लिक कीटोन लिए, इस पे सेम चीज, यही रिएजेंट दिए, तो क्या होगा, ये निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा साइक्लो अल्केन, ठीक, अल्केन बनता है चाहे साइक्लिक हो चाहे नॉन साइक्लिक, ठीक। अब चलते हैं इस पर कि बेस सेंसिटिव रिएजेंट क्या होता है। आइए, एक कंपाउंड बना रहे हैं साइक्लिक फॉर्म, साइक्लिक नहीं, ऑनलाइन में, ये हमने यहां लगा दिया कीटोन, ठीक, यहां पे हमने लगा दिया OH, ठीक, इसको जैसे ही दिए जिंक मरकरी NHCl, क्या होगा, इस पार्ट को तो तोड़ देगा, अल्केन बना देगा, ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन बना दीजिए इधर, ये वाला पार्ट अल्केन बना लिया, ठीक है, वाटर निकल गया, क्या करना है देखिए, ये आया भाई, दो तोड़िए, 2H इधर 2H इधर, दोनों बॉन्ड तोड़ दिए, ये वाटर निकल गया यहां से, ये अल्केन बन गया। अब देखिए ये OH है, OH क्या होता है, बेस है भाई, OH के पास जब भी लॉन्ग चेन रहती है या अल्कोहल के पास जब भी लॉन्ग चेन रहती है तो वो बेसिक ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा, ये बेस, और ये देखिए एसिडिक मीडियम में रखा जा रहा है, तो एसिड से H+, और ये OH- एक और मोल वाटर बना लेगा, यानी 2 मोल वाटर यहाँ निकलेगा, एक मोल वाटर यहां से निकला, एक यहां से निकल गया, ठीक। अब देखिए H+ और OH- निकल गया, तो Cl पे माइनस बचा है, और यहाँ OH- जब निकला तो यहाँ क्या आया, प्लस, ये प्लस और ये माइनस जुड़ेगा, तो बताइए क्या प्रोडक्ट में यहाँ Cl नहीं आ जाएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना, ठीक है, तो यहाँ Cl आ जाएगा OH को रिप्लेस करके, ये एडिशन एडिशनली यहाँ पे कराता है ये रिएजेंट, ध्यान रहेगा। हाँ, तो सेकंड पे चलते हैं, सेकंड पे सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, मतलब ये मेटल लिए गए हैं अमोनिया के अंदर, बेसिक मीडियम के अंदर, ठीक है, तो आप इसको देखिए बर्च रिएजेंट कहते हैं, ठीक। अब बर्च रिएजेंट क्या कराता है, ये एंटी या ट्रांस एडिशन कराता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है इसको, ठीक है, क्या है, वर्क्स एज पार्शियली रिड्यूसिंग एजेंट। पार्शियली रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, देख लो खुद ही, कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराता है रिड्यूसिंग एजेंट, आपकी ऐड करेगा हाइड्रोजन, लेकिन केवल एक पाई बॉन्ड तोड़ेगा, एक पाई बॉन्ड को छोड़ देगा, ये देखिए एक पाई और एक सिग्मा बचेगा, एक पाई और दो, सॉरी, एक सिग्मा और ये दो पाई जो थे उसमें से केवल एक पाई टूटेगा, ठीक है, और यहाँ पे एक सिग्मा एक पाई रह जाएगा। आइए, तो देखिए कैसे कराना है आपको ये एंटी या ट्रांस एडिशन, क्वेश्चन में देखिए, जैसे मान लीजिए आपको हमने यहाँ पे एक अल्काइन दिया, ठीक है, इस अल्काइन पे मान लीजिए यहाँ पे बर्च रिएजेंट आया, ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिथियम भी ले सकते हैं उसमें, ठीक, क्या करेंगे, एक बॉन्ड तोड़ेंगे और एच को जोड़ेंगे अपोजिट मैनर में, अपोजिट एंटी, ठीक, क्या बनेगा, सी डबल बॉन्ड सी बचेगा, देखिए एक CH3 है, जो CH3 इसको ऊपर लिख दीजिए, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा सा पढ़े हैं तो आपको ट्रांस बनाने आता होगा, एकदम वैसे ही बना दीजिए, इधर CH3 नीचे है और उधर CH3 ऊपर है, सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे ट्रांस कहते हैं, देख लीजिए अब ट्रांस अल्कीन ये बन गया है, तो इसे कहते हैं ट्रांस अल्कीन, और ऐसे एडिशन को कहते हैं एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ व्हाट, ऑफ हाइड्रोजन, ठीक, तो बर्च रिएजेंट क्या कराता है, एंटी एडिशन, याद रहेगा, पार्शियली रिड्यूस करता है, कंप्लीटली रिड्यूस नहीं करता, अल्कीन नहीं बनाता, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड है टिन इन HCl, टिन इन HCl क्या करता है, देखिए मेटल है एसिडिक मीडियम है, ठीक, फिर क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको रिड्यूस करेगा, नाइट्रो अल्केन को या साइनाइड को, नाइट्राइल को, ठीक है, साइनाइड
साइनाइड या नाइट्राइल या नाइट्रोल कैन। नाइट्रोल कैन पे जब एक्ट करेगा टिन इन एचसीएल तो इसको कन्वर्ट करेगा अमाइन में, ठीक है, ये अमाइन बन गया आपका, अमाइन बना दिया। जब साइनाइड पे एक्ट करेगा तो ये पहले बनाएगा आयमीन, और जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, वाटर ऐड करेंगे इस पर, तो ये दोनों बॉन्ड टूटेगा। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, तो दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं, दो बार ओ एच यहाँ, दो बार एच यहाँ वाटर से, ठीक। तो यहां से निकल गया आपका NH3, और यहाँ जब दो बार एच आया, दो दो बार ओ एच आया, तो ओ एच स्टेबल तो होता नहीं है कार्बन पे, दो ओ एच, तो वाटर यहाँ से निकलेगा और क्या बना लेगा, अल्डिहाइड। देखिए ये स्टीफन रिडक्शन में पूछता है, यूज होता है टिन इन एचसीएल, वहां साइनाइड कन्वर्ट होता है डायरेक्ट किस में, अल्डिहाइड में। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, मान लीजिए नाइट्रोल केन से आपको करना है, तो ये नाइट्रोल केन है, इस पर आपने क्या किया, टिन इन एचसीएल लिया, इसमें तो कुछ नहीं, जितना कार्बन दिख रहा है उतने कार्बन का आप अमाइन बना दीजिए, ठीक। तो ये अमाइन बन गया, रिड्यूस कर दिया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, ठीक। अगला चलिए साइनाइड देखते हैं, मान लीजिए साइक्लिक कंपाउंड को ले लिया, ठीक, यहाँ पे हमने साइनाइड बना दिया, लगा दिया। तो जैसे ही आप टिन इन एचसीएल इस पर रखेंगे, तो टिन हाइड्रोजन की हेल्प से, एसिडिक मीडियम की हेल्प से इसको रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा तो भाई क्या होगा, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, ये आयमीन बन गया, साइक्लिक आयमीन, ठीक। फिर जब इसको आप वाटर जोड़ेंगे इस पर तो क्या होगा, ये दोनों बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पाई बॉन्ड होता है वहीं अटैक कराता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा वहां अटैक कर दिया। तो भाई इधर माइनस देंगे आप, इधर प्लस देंगे, वाटर से दो एच प्लस यहाँ आएगा, दो एच प्लस क्यों आएगा, क्योंकि दो बॉन्ड टूट रहे हैं एक करके, ठीक, दो ओ एच माइनस इधर आएगा, तो भाई क्या बनेगा, इस पे आ जाएगा सी एच ओ एच ओ एच, और इधर क्या आएगा, एन एच थ्री, तो एन एच थ्री ये निकल गया, गैस है, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या बचा, ओ एच अनस्टेबल होता है दो ओ एच, तो एक वाटर निकलेगा, और एट लास्ट आपको यहाँ पर अल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है। देखिए सी एच ओ बचाना, एच टू निकल गया, ठीक। सेक्शन में बेटा लास्ट है मेटल विथ एसिड या बेस में, लास्ट है सोडियम इन अल्कोहल, मेटल को रखे एसिड या बेस में, अल्कोहल आपका एसिड और बेस दोनों के तरीके से वर्क कर सकता है, ठीक है। चलिए तो सोडियम को जब आप अल्कोहल में रख रहे हैं, तो इन चार फंक्शनल ग्रुप पे, इन चार कंपाउंड्स पे वर्क कर सकता है सोडियम इन अल्कोहल। जब अल्डिहाइड पर वर्क करेगा तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा आपका, अल्कोहल में, ठीक है। जितने कार्बन लेफ्ट साइड उतने ही प्रोडक्ट साइड, जितने कार्बन कीटोन में इधर उतने ही कार्बन अल्कोहल में, ठीक है। मतलब इससे बनेगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, और कीटोन पे जब ये ले आएंगे आप सोडियम इन अल्कोहल तो बनाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अगला है नाइट्रो अल्केन और साइनाइड, तो नाइट्रो अल्केन साइनाइड सेम वैसे ही जैसे अभी आपने टेन पढ़ा था, ठीक है। तो ये बनाएगा अमीन, और ये बनाएगा फिर CH2, NH2, ये भी अमाइन बनाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं, एल्डिहाइड के मान लीजिए, तो साइक्लिक ले लेते हैं, एक कीटोन ले लिया, इधर एक एल्डिहाइड ले लेते हैं एक ही साथ, ठीक। इस पे सोडियम इन अल्कोहल आया, तो जरूरी नहीं आपको यहाँ मोल मेंशन करे, आपको क्या देखना है कि सोडियम इन अल्कोहल है तो वो कीटोन को भी रिड्यूस करता है और अल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है। अल्डिहाइड को जब रिड्यूस करता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है, कीटोन को जब रिड्यूस करता है तो 2 डिग्री। आप सिंपली बस यहाँ पे एच एच जोड़ दीजिए, एक एक बॉन्ड तोड़ के, आपको दिख जाएगा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया और ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। कैसे, आइए देख लेते हैं, 6 कार्बन है ना, इधर 6 कार्बन का रिंग बना लीजिए, इधर आपका ओ एच और इधर एक एच, इस एच को जरूरी नहीं कि लिखे, इधर देख लीजिए, इधर एक एच पहले से ये वाला, एक एच आया इधर भी एक एच आया, ठीक। तो देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल बना एल्डिहाइड से और ये बना आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। तीसरे कैटेगरी की तरफ चलते हैं, मेटल के साथ जब हाइड्रोजन लिखा हो तो वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसमें आपके दो आते हैं, पहला हाइड्रोजन के साथ ये मेटल है, देख सकते हैं निकल, प्लेटिनियम पैलेडियम डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट या कैटलिस्ट होते हैं आप कह सकते हैं। दूसरा आपका H2NPDC, दोनों पे ही क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। आइए पहला देखते हैं,
H2 विथ निकल प्लेटिनम पलेडियम। इससे जब रिडक्शन कराते हैं तो आप कॉमनली इसको एक नाम देते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक, कैटालिटिक रिडक्शन भी कह सकते हैं। वर्क ऑन किस पे वर्क करता है ये? अल्कीन पे वर्क करेगा तो अल्केन बनाएगा, अल्काइन पे वर्क करेगा तो भी अल्केन बनाएगा, अल्डिहाइड पे वर्क करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, कीटोन पर वर्क करेगा, कीटोन भी आप देख सकते हैं कीटोन पर भी ये वर्क करता है, अगर कीटोन पे वर्क करेगा तो ये क्या बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल, जैसे बाकी रिडक्शन आपने पढ़ा, ठीक, सेकेंडरी अल्कोहल, अल्डिहाइड से प्राइमरी और कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल। एस्टर से आप देखेंगे तो आपको 2 मोल अल्कोहल मिलेंगे, डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है, हाँ दोनों लगभग प्राइमरी अल्कोहल ही होंगे। आई साइनाइड पे होगा तो प्राइमरी अमाइन, नाइट्रो पे होगा तो भी अमाइन ही मिलेगा प्राइमरी, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेक्शन। मेटल विथ हाइड्रोजन में ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टोटल देख सकते हैं आप 3, 3, 6 और 1, 7 जगह काम कर रहा है, लिख लो इसको, याद कर लो अच्छे से, हो सके तो ये सारे रिएजेंट पर क्वेश्चन लगा लगा के इनको याद किया करो, ठीक है। कीटोन जिसको ले लिया यहाँ पे, मान लो हम ले लें यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें और यहाँ पे मान लो हम NO2 लगा दें, चलो तो मान लो अगर ये क्वेश्चन में दिया है निकल प्लेटिनम पलेडियम तो आपको क्या करना है? सबसे पहले देखिए क्या ये कीटोन को रिड्यूस करता है, बिल्कुल करता है, नाइट्रो को रिड्यूस करता है, इसको भी करता है, देख सकते हैं आप, ठीक, और क्या डबल बॉन्ड को रिड्यूस करता है? हाँ डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, चाहे साइक्लिक में हो चाहे ओपन चेन में, ठीक, तो रिड्यूस करेगा तो क्या बनेगा? आइए सब यहाँ लिखा है देख के बना लीजिए, टोटल रिंग में है 6, ठीक, ये बना अल्कोहल, कीटोन का अल्कोहल बनता है, देख लीजिए, नाइट्रो का बनेगा अमाइन, प्राइमरी अमाइन बन गया ये, और डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, हट जाएगा, HH जुड़ जाएगा, ये आपका बन गया आंसर आगे, ठीक है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराने से ये बना इसमें। तो सेकंड है बच्चों इसमें कि हाइड्रोजन को जब पैलेडियम के साथ कार्बन में लिया गया, कार्बन मतलब कि प्योर फॉर्म ऑफ, ये आपका एलोट्रॉप हो गया कार्बन का प्योर फॉर्म, या आप कह सकते हैं कोक हो गया, ठीक, तो भाई क्या है H2 के साथ मेटल कोक लिया गया तो अल्कीन या अल्काइन पे दो जगह वर्क करेगा केवल, एग्जाम में आया, ठीक, दो जगह वर्क करेगा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे, डबल बॉन्ड पे जब वर्क करेगा तो अल्केन बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड पर भी अल्केन ही बनाएगा, मतलब कंप्लीटली रिड्यूस कर देता है सैचुरेटेड कंपाउंड में बस दो जगह, ठीक। एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये कीटोन था, यहाँ पे कुछ डबल बॉन्ड था और ऐसे दिया हुआ, ठीक, क्या करेंगे आप बताइए? H2PD विद कार्बन क्या करता है, कहाँ पे एक्ट करता है? क्या डबल बॉन्ड CO को तोड़ता है, कार्बोनिल को तोड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, किसको तोड़ेगा? या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, अल्कीन को या अल्काइन को, ये तो अल्कीन है नहीं, ये तो कीटोन हो गया, यहाँ पे है आपका डबल बॉन्ड, तो केवल इसको जब तोड़ेगा तो बताइए यहाँ ऊपर ये बच जाएगा, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट बन गया ये आंसर, ठीक है। अगली कैटेगरी है फोर्थ, फोर्थ में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट जो आपके NCERT में दिए हुए हैं, क्या है ये? चार है कुछ, देख लेते हैं, HI रेड फॉस्फोरस, दूसरा H2 विथ पैलेडियम, देखिए मेटल विथ हाइड्रोजन है ये, लेकिन यहाँ पे एक BSO4 है, क्या है BSO4, अभी इस पर चलते हैं देखते हैं, NH2 NH2, मतलब ये हाइड्राजीन, हाइड्राजीन को सोडियम अल्कोक्साइड के मीडियम में लिए, फोर्थ है आपका जिंक डस्ट, तो ये चार कुछ एक्स्ट्रा रिड्यूसिंग एजेंट में आ गए जो उन तीन कैटेगरी में नहीं बैठ रहे थे, ठीक है। पहला है इसमें HI रेड फॉस्फोरस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपको यहाँ फंक्शनल ग्रुप दिखे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखे, अगर उस पे HI एक्ट कर रहा है, ध्यान रखिएगा केवल HI नहीं, रेड फॉस्फोरस होना चाहिए, तो रेड फॉस्फोरस के साथ अगर HI है तो क्या होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे वो सीधे बनाएगा अल्कीन, अल्कीन ही बनाएगा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ध्यान रखिएगा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पर एक्ट नहीं करेगा HI रेड फॉस्फोरस, बाकी आप कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ लिख दिया अल्कोहल, ठीक है, तो अल्कोहल पे क्या HI रेड फॉस्फोरस एक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा, और अगर एक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, लिखा क्या है अल्केन, इसको याद रखिएगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। तो
एल्केन बना देगा, मतलब आप यहाँ पे RH बना दीजिए, वाटर निकल जाएगा, OH और एक RH आके वाटर निकल जाएगा, ठीक, एल्केन बना। आप मान लीजिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड रखते हैं, ठीक, कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देगा और अल्केन बनाएगा। जितने कार्बन दिख रहे हैं ना लेफ्ट साइड राइट साइड, हमेशा उतने ही कार्बन होंगे, कार्बन घटते बढ़ते नहीं है, ठीक, कांस्टेंट रहते हैं। मान लीजिए एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड में से भी ऑक्सीजन हटा देगा और अल्केन बना देगा, जितने कार्बन उतने ही। कोई भी फंक्शनल ग्रुप आप लिख दीजिए, साइनाइड लिख दीजिए, नाइट्रो ग्रुप ले लीजिए, ठीक, अमाइन ले लीजिए, अमाइड ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, एस्टर ले लीजिए, कोई भी होगा, ईथर एस्टर कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा, सब पे एक्ट करेगा और सभी को किसमें तोड़ देगा, अल्केन में, उतने ही कार्बन का आप अल्केन हमेशा बना दीजिएगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर से एक साइक्लिक कंपाउंड ही देखते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हमने लिया, यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, ठीक, यहाँ पे हमने ले लिया मान लीजिए NO2, यहाँ पे हमने ऐसे रख दिया डबल बॉन्ड मान लीजिए लगा दिया, ठीक। तो क्या होगा जब HI रेड फॉस्फोरस आएगा तो कहाँ कहाँ एक्ट करेगा, तो डबल ट्रिपल बॉन्ड को तो तोड़ता नहीं है, डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपके पास निकल प्लेटिनम पलेडियम वगैरह है, ठीक। HI रेड फॉस्फोरस इन दोनों पे तोड़े, इनको तोड़ेगा नहीं, केवल इन दोनों को तोड़ेगा, इन दोनों को तोड़ेगा इस कंपाउंड में, तो क्या बनाएगा, इसको ऐसे ही बना दीजिए जिन पे एक्ट नहीं करेगा, जिन पे एक्ट नहीं करेगा उनको ऐसे ही बना दिया, जिन पे एक्ट करेगा उतने ही कार्बन रखिए। देखिए बाहर एक कार्बन है, यहाँ तो कार्बन नहीं है OH, तो बाहर ये जो एक कार्बन है उतने का अल्केन बना दीजिए, देखिए बाहर एक कार्बन है, ये तो ग्रुप निकल जाएगा पूरा, ठीक, ये आपका CH3, ठीक। अगला बिल्कुल बच्चों इस सेक्शन में H2 विद PD BSO4, ठीक, H2 PD पलेडियम हो गया और BSO4 ये आपका मीडियम हो गया, यहाँ पे ये काम करता है एज पॉइजन, ठीक है, पॉइजन जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को रोकता है, कम करता है, ठीक। तो भाई क्या है, BSO4 पॉइजन का काम करेगा यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, क्विनोलिन भी वही करेगा, बॉइलिंग जैलिन भी आप ले सकते हैं, ये दो एक्स्ट्रा मीडियम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, चलिए इसको आप, इस कंपाउंड को आप लिंडलार्स कैटलिस्ट भी कहते हैं, इस रिएजेंट को क्या कहा जाता है, लिंडलार्स कैटलिस्ट भी कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा बर्च रिएजेंट में कि वो एंटी एडिशन कराता है या ट्रांस एडिशन कराता है, वैसे ही आपका ये जो लिंडलार्स कैटलिस्ट है ये सिन या सिस एडिशन कराएगा, उसका उल्टा, ठीक, और ये भी पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कैसे क्या आइए देखते हैं, कहाँ वर्क करेगा, दो जगह, ट्रिपल बॉन्ड पे और COCl पे, ध्यान दीजिएगा यहाँ COCl भी है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे वर्क करेगा क्योंकि ये पार्शियल रिड्यूसिंग एजेंट है, तो क्या कंप्लीटली रिड्यूस करेगा, बिल्कुल भी नहीं, और कैसे जोड़ेगा H, सेम के अपोजिट सिन मैनर में सिस मैनर में, तो सिन एडिशन कराएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ पर जब ये इसको रिड्यूस करेगा तो ये एच एच आएगा, और यहाँ पे खुद देख लीजिए कि क्या बना, ये एक एल्डिहाइड बना और एक HCl निकल गया। तो आपने पढ़ा होगा रोजनमाइंड्स रिएक्शन, ठीक, ये रोजनमाइंड रिएक्शन में ये कैटलिस्ट यूज होता है इसके साथ और वहां पर बनता है आपका बेंजल डिहाइड या एल्डिहाइड, ठीक। चलिए तो ये हो गया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे, ये जो सिन एडिशन है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मान लीजिए ये हमने लिया एक कंपाउंड, इस पे हमने ये लिंडलार्स कैटलिस्ट रखा, ठीक, ये क्या कराएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा, तो डबल बॉन्ड बचेगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, देखिए अल्काइन से अल्कीन बनता है, तो भाई क्या होगा, आपको कैसा बनाना है यहाँ पे अल्कीन, सिस अल्कीन पड़े होंगे, सिन एडिशन होता है तो सिस अल्कीन बनता है, ये सिस अल्कीन हो गया, और ऐसे एडिशन को जो एक साइड में होते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, सिन एडिशन, तो सिन एडिशन किसकी वजह से हुआ, लिंडलार्स कैटलिस्ट। अगला है तीसरा बेटा, इसमें हाइड्राजीन, NH2 NH2 को कहते हैं हाइड्राजीन, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं कंबाइन करके, ठीक है। चलिए तो N2H4 या NH2 NH2 किसी बेसिक मीडियम में, RONA मतलब सोडियम अल्कोक्साइड या इथाइलिन ग्लाइकोल, ये दोनों ही बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, अल्कोहलिक KOH भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा, ये एल्डिहाइड है और कीटोन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट केवल दो पर ही वर्क करेगा, एल्डिहाइड को भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा और कीटोन को भी अल्केन में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन, ये हमने बनाया एक बॉन्ड लाइन इधर रख दिया एल्डिहाइड, ठीक है,
इसमें मान लो हमने रखा NH2, NH2, आपने पढ़ा होगा वुल्फ किशनर रिडक्शन, तो ये वुल्फ किशनर रिडक्शन में भी यूज होता है, ठीक है। तो वुल्फ किशनर रिडक्शन ही है ये, एक तरीके से बेसिक मीडियम में रखे तो क्या होगा, देखिए एल्डिहाइड है फिलहाल, तो एल्डिहाइड को अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, कितने कार्बन है इसमें, कार्बन घटेगा बढ़ेगा नहीं, 1 2 3 4, चार कार्बन का आप अल्केन बना दीजिए, ठीक है, 5 बन गया, 4 का बना दीजिए, ठीक, 4 इधर 4 इधर, ठीक। लास्ट का बच्चों इसमें जिंक डस्ट, जिंक डस्ट या जिंक पाउडर्ड फॉर्म में आपके एनसीईआरटी में दो जगह दिया गया है ये, कि फिनॉल को, ये फिनॉल दिख रहा होगा आपको, फिनॉल को कन्वर्ट करता है जिंक डस्ट बेंजीन, ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ऑक्सीजन हट रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन हट रहा है तो भाई क्या हो रहा है इसका रिडक्शन, आप ये देख रहे हैं एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड को भी रिड्यूस कर सकता है जिंक डस्ट और किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्केन, ठीक है। इस एल्किल हैलाइड पे क्वेश्चन देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ सीएल लगा है तो भाई जिंक आया डस्ट, ठीक, जिंक डस्ट क्या करेगा, सीएल को हटाएगा और एच लाएगा, ठीक, प्लस एचसी, बस, ठीक। हाँ तो बच्चों ये सारे के सारे जितने रिड्यूसिंग एजेंट पड़े हैं, चार कैटेगरी जो हमने बताई, ठीक, इन चारों में देखना मैकेनिज्म पे बहुत ज्यादा फोकस मत करना, जितना हमने इस वीडियो में बताया पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में, इन दोनों को मिला के देखना, जितना बताएं केवल उतना फॉलो करना, उसी से ही क्वेश्चन आएगा, सीधे हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है, ठीक।